हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि इस चैनल पर हम और आपने मिलके 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दोस्तों, आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन से किस तरीके से, अरे ये वाला स्मार्टफोन नहीं, इस स्मार्टफोन से, इसके कैमरा से किस तरीके से बहुत प्रोफेशनल टाइप की वीडियोस शूट कर सकते हैं। इवन DSLR टाइप की क्वालिटी से आप कंपेयर कर सकते हैं, और सिर्फ OnePlus 6 से नहीं, इवन Mi A1 से भी आप शूट कर सकते हैं, और कोई भी बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, सबसे पहले अपने फोन के जो ऑफिशियल कैमरा ऐप आती है उसे यूज करना बंद कर दो वीडियोज रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि वहां पे आपको मैनुअल ऑप्शंस नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो महंगे फोनों में मिलते हैं, बजट फोनों में मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिलते आप लोगों को देखने के लिए। तो मैनुअल सेटिंग्स लाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक और ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है ओपन कैमरा। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, यहां मैं आप लोगों को अपनी फेवरेट एप्लीकेशन बता रहा हूं। ओपन कैमरा आप यूज कर सकते हो, अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं वीडियो जब रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पे सारी मैनुअल सेटिंग है, आप इवन फोकस तक मैनुअली रख सकते हैं, और यहां पे आप किसी भी फॉर्मेट में वीडियो शूट कर सकते हैं जितना आपका फोन सपोर्ट करता है, हाई रेजोल्यूशन में उसमें शूट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑलवेज 1080p में शूट करें, 60 फ्रेम्स पर सेकंड में, क्योंकि अगर आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट करेंगे तो आप स्लो मोशन में भी वीडियोस बाद में एडिट कर सकते हैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और 60 फ्रेम्स में थोड़ी वीडियो स्मूथ होगी तो अच्छी लगेगी देखने में। और यहाँ पे एक और एडिशनल टिप मैं देना चाहूंगा, जब भी आप वीडियोज रिकॉर्ड करें मैनुअल कैमरा से तो आप ISO को हमेशा कम से कम रखें। ISO को अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो वीडियो में नॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कॉर्नर्स में वीडियो के ऊपर साइड में जो कॉर्नर होते हैं अगर ब्लैक पोर्शन है वहां तो बहुत ज्यादा मच्छर से मरे हुए नजर आएंगे, तो मतलब वो नॉइस होती है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो आप ISO कम रखें और अच्छी लाइटिंग यूज करें तो आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड टिप है दोस्तों, जब भी आप अपने कैमरा स्मार्टफोन से वीडियो शूट करें तो हमेशा उसे स्टेबल जगह पे रख के शूट करें, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा शेकी शॉट्स देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से, जो कि किसी को भी नहीं पसंद। तो आपको हमेशा स्टेबल शॉट्स यूज़ करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से, ताकि आपकी वीडियोज़ बहुत बेहतर लगे और आप क्या बोल रहे हैं वीडियो में वो समझ आए। तो इसके लिए आप ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप ऐसा गिम्बल ले सकते हैं। अब ये थोड़ा महंगे वाला गिम्बल है, थोड़े सस्ते गिम्बल्स भी आते हैं तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये, तो अगर आप वो ले लेंगे तो आप ट्राइपॉड से भी नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, क्योंकि गिम्बल में आप अपना स्मार्टफोन लगा सकते हैं यहां पे, उसके बाद आपकी जो क्वालिटी है वो और बेहतर हो जाएगी। गिम्बल में आप अपना एक बार स्मार्टफोन लगा दीजिए कुछ इस तरीके से, उसके बाद ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगा। आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, अब ये एकदम लॉक हो चुका है, मैं इसको ऐसे हिलाऊंगा तो ये हिलेगा नहीं, और एकदम स्मूथ शॉट्स आपको मिलेंगे। इवन आप रनिंग कर रहे हैं तब भी आपको बहुत स्मूथ शॉट्स मिलेंगे। आप देख सकते हो मैं कैसे भी अपने हाथ को हिलाऊं, लेकिन जो मेरी कैमरा पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है, वो ज़्यादा हिल नहीं रही, बिल्कुल एकदम इक्वल है। इवन मैं जोर से भी हिलाऊंगा तब भी कैमरा पोजीशन नहीं हिल रही। तो आप देख सकते हो गिम्बल कितना स्टेबल होता है। तो मतलब आप अगर 8,000 रुपए गिम्बल पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाले, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल सही जगह पे लग रही है। तो तीसरी टिप यह है कि अगर आप प्रोफेशनली प्रोडक्ट्स के शॉट लेना चाहते हैं, जिस तरीके के आपने टेक रिव्यूज में देखे होंगे बहुत बारीकी से शॉट्स लिए जाते हैं एकदम क्लोजली, वहां पे लेंस जो यूज होता है वो मोस्टली यूज होता है 50mm लेंस, f1.8 पे शूट होती है वीडियोस, क्योंकि f1.8 पे जो अपर्चर है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है और आपको पीछे बहुत ज्यादा बोके देखने को मिलता है, बोके मतलब बहुत ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है। अब वो चीज हर किसी को पसंद आती है वीडियोस में, वो एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाती है वो ब्लर वाली जो चीज होती है। तो वो आप स्मार्टफोन से कैसे अचीव कर सकते हैं, बेसिकली जब भी आप अपने स्मार्टफोन से वो चीज रिकॉर्ड करें तो आपको प्रोडक्ट के काफी नजदीक जाना है, उतना नजदीक जाना है जब तक आप फोकस खो ना दें उस प्रोडक्ट का। मतलब जैसे ही आप फोकस खो रहे हैं वहां तक मत जाइए, उससे हल्का दूर जब तक प्रोडक्ट फोकस में है, बस एकदम क्लोजेस्ट फोकस पे आप अपना रखिए प्रोडक्ट को, उसके बाद शूट करिए, आपको बैकग्राउंड में बहुत अमेजिंग ब्लर देखने को मिलेगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगा पीछे कुछ कलरफुल लाइट्स रख लो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है उसी तरीके से आप कुछ कलरफुल लाइट्स रख लो, ताकि आपको बहुत अमेजिंग जो लाइट्स हैं वो जुगनी की तरह चमके और आपका प्रोडक्ट एकदम अमेजिंग आए निकल करके। तो तीसरी टिप ये थी कि क्लोजली शूट करो और काफी स्टेबल तरीके से शूट करो, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अमेजिंग शूट होने वाला है। फोर्थ टिप है यहाँ पे लाइटिंग। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब बिना लाइटिंग के जो मैंने पहला पॉइंट बताया ISO वाला, अगर आप लो ISO में वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी तो अच्छी आएगी, क्रिस्प वीडियोस तो बनेंगे, लेकिन अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है तो बहुत अंधेरा सा आएगा वीडियो में। तो यहाँ पे आपको अच्छी लाइटिंग रखनी है, या तो अपने रूम में बहुत सारे LED बल्ब्स लगा दीजिए, ट्यूबलाइट्स लगा दीजिए, लेकिन ट्यूबलाइट्स और LED बल्ब की रोशनी हर कोने में नहीं पहुंच
पहुंच पाती। आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा लाइट है रूम में, लेकिन जब आप प्रोडक्ट शूट करेंगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको अलग से एलईडी पैनल्स लेने पड़ेंगे। तो एलईडी पैनल्स आप मार्केट में परचेस कर सकते हैं, 800 रुपए का भी अवेलेबल है, 1000 रुपए का भी अवेलेबल है, इवन 2000 रुपए के भी अवेलेबल है। यहां पे मेरे पास 2 एलईडी पैनल है और इन्हें मैं यूज करता हूं जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करता हूं। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे मेरे पास 2 एलईडी पैनल है और ये ऑन होते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो काफी ज्यादा रोशनी है इसकी और आप रोशनी कंट्रोल भी कर सकते हो इसकी इस तरीके से। तो देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक हो गया था अभी, तो काफी अमेजिंग क्वालिटी है इसकी। इसमें 2 टोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक व्हाइट एंड दूसरा येलो। तो इस तरीके से आप इसे यूज करके डायरेक्ट प्रोडक्ट की तरफ डाल सकते हो या फिर अपने फेस के ऊपर मार सकते हो ताकि आपको क्वालिटी बहुत अमेजिंग देखने को मिले। अब बढ़ते हैं 5th टिप की तरफ। जो 5th टिप है वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि 5th टिप में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आपने वीडियोस अच्छे से शूट कर ली, आपने ट्राइपॉड यूज कर लिया, आपने कैमरा सेटिंग्स बढ़िया रख ली, आपने लाइटिंग सेटअप बढ़िया रख लिया, वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से शूट हो गई, लेकिन जो फाइनल मजा है, जो फाइनल प्रोफेशनलिज्म वाली चीज है, वो तब निकल करके आएगी जब आप उसको एडिट करोगे म्यूजिक के साथ। मतलब जो आपने शॉट्स लिए ना उसको म्यूजिक के साथ एडिट करोगे, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये क्लिप बहुत अमेजिंग लगी होगी और आप ये पांचों की पांचों टिप्स यूज करके अपनी फोन वीडियोग्राफी को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं और अपनी वीडियोस में सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी करने वाले हैं। दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, प्लीज इस वीडियो को दीजिएगा एक बड़ा सा लाइक। वैसे ही आप लोग बहुत प्यार बनाए रखते हैं इस चैनल पे, तो प्लीज इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए प्यार। और इस वीडियो पे लाइक एम हम रखते हैं 5 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं तो लाइक एम भी रखते हैं 5000 का। तो 5000 लाइक एम रखते हैं, तो 5000 लाइक्स कर दीजिए इस वीडियो पर प्लीज। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो बहुत मजेदार लगी होगी। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता है एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, बाय बाय।